वेलकम बैक टू जागुल हॉर्स। सुबह से हम इतनी शकील गुफ्तगू कर रहे थे, कभी पॉलिटिक्स की, कभी खबरों की, कभी इधर कभी उधर। हमने सोचा थोड़ा लाइटर मूड पे आते हैं और सुबह सुबह आपको फिटनेस की बातें बताते हैं और फैशन की बातें बताते हैं। खवातीन जो हमारा शो देख रही हैं उनके लिए आज बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिस्कशन होने वाली है कि अगर आपको लगता है आप फिट होना चाहती हैं एक्सरसाइज के थ्रू, तो आज हमारे पास फिटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं। उमर बिलाल हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो उमर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हो गया। अच्छा जनाब उमर से तो हम डेफिनेटली डिस्कशन करेंगे और साथ साथ हम फैशन की बात करेंगे और कपड़ों के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उस पर हमें ज्वाइन किया है सना एहमदे। वेलकम टू द शो सना, कैसी हैं आप? थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनिए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सना, अभी आपकी ताज़ी ताज़ी नई कलेक्शन आई है, तो उस कलेक्शन के हवाले से हमें थोड़ा सा बताएं। कलेक्शन में ये है कि लॉन्ग्स क्योंकि इन हो रहे हैं तो मैंने पेशवाज किए हैं लॉन्ग, तो दो तीन वो बनाए हैं और डिफरेंट कलेक्शन। स्प्रिंग का सीज़न है तो स्प्रिंग के लिहाज से भी मैंने बनाए हैं, तो इस वजह से मैंने डिवाइड कर दिया थोड़ी बहुत चीज़ें, कुछ फॉर्मल्स में दी हैं और कुछ मैंने लाइट पार्टी वेयर में कुछ इस किस्म की चीज़ें दी हैं, क्योंकि अभी आगे लॉन्ग से साथ साथ काउल्स भी आएंगे, ड्रेप्स भी आएंगे, तो डिफरेंट। तो अभी तो गर्मियों में ही ईद का भी सीजन वो कह लेना एक दौरा शुरू हो जाएगा शॉपिंग का, तो फिर उसके हिसाब से भी कुछ है कलर्स वगैरह? उसके हिसाब से भी कुछ है, लेकिन उसके लिए फिर नई कलेक्शन आएगी ईद के लिए। ओके, तो हर थोड़े दिन बाद एक नई कलेक्शन, कुछ नया जबरदस्त। अच्छा उमर, कुछ नया देना चाहिए ना, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। उमर जी, आज आप फिटनेस के हवाले से क्या टिप्स देने वाले हैं खवातीन को? मैम आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, सबसे पहले मुझे बड़ा अच्छा लगा और इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि, और मुझे थोड़ा सा बताया कि लेट्स कीप इट वुमेन सेंट्रिक, सो मैंने ही सोचा। देखिए खवातीन का नंबर वन मसला जो इस वक्त इनफैक्ट पाकिस्तान में है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो खवातीन को ज़रा इजाज़त नहीं देता कि वो बाहर से निकलें, और यहाँ पे माहौल भी नहीं है कि वो जिम जाएं एक्सरसाइज करें। सो मैं जो चीज़ अपने क्लाइंट्स के साथ सालों से कर रहा हूँ और जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो मैं बेसिकली जिस चीज़ पे फोकस करता हूँ, वो ये बताता हूँ कि आपको ये मिथ अपने जहन से निकाल दें कि आपको फैट लॉस करने के लिए जिम जाना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जिम को छोड़ दें आप साइड पे, क्योंकि जिम इंसान, अगर जो भी इंसान जाता है, अगर मैं जाता हूं या कोई भी जाता है, कोई भी दिन में ऑन एवरेज 45 मिनट से ज्यादा जिम में नहीं गुजारता। आपके पास दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें से आप एक घंटा गुजारते हैं तो 23 घंटे यू आर आउट ऑफ द जिम, एंड दैट इज 96% ऑफ द टाइम, एंड आई बिलीव इन spending that 96% in the correct way, so you don't even need to go to the gym. So ye cheez main apne clients ko batata hu and they are very much satisfied, they are taking results. अच्छे क्लाइंट्स, डेडिकेटेड क्लाइंट्स 3 महीने में 20-25 केजी भी लूज करते हैं। अच्छा ठीक है, फिटनेस के लिए हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा डिफरेंट है कि हम समझते हैं अगर आप पतले हैं तो आप फिट हैं। हालांकि फिटनेस इंटरनली आपकी होनी चाहिए कि आपकी डाइट वगैरह प्रॉपर, उसके अलावा आप फिजिकली एक आपके तवस्सुत से बड़ा, सबसे पहले जो मुझे एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है क्लाइंट्स का, वो मुझे फोन करते हैं, बोलते हैं उमर भाई हमें वेट लॉस करना है। ठीक है, वेट लॉस करना है। मैं सबसे पहले उनको करेक्ट करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि मैं वेट लॉस कराता ही नहीं हूँ, परेशान होते हैं। मैं बोलता हूँ कि वेट लॉस इज समथिंग डिफरेंट एंड फैट लॉस इज समथिंग डिफरेंट। वेट लॉस आपको जो ज्यादातर मार्केट में जो चीज नजर आएगी वो वेट लॉस टेक्निक्स आपको बताते हैं। अब इसका डिफरेंस समझे, वेट लॉस से मुराद ये है कि आपका मसल भी कम हो रहा है और आपका फैट भी कम हो रहा है, और मेजर पोर्शन आपका मसल का कम होता है वो आप फाका करके कम कर लेते हैं, तो दैट उसकी तो सिंपल टिप है, भूखा रहना शुरू कर दे, आपका वजन ओवरऑल कम आ जाएगा। ठीक है ना, लेकिन जब आपका मसल भी बर्न आउट हो जाएगा तो दैट मीन्स जब आपकी, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका वजन मशीन पे पहले 80 था, अब 60 हो गया, लेकिन आपने अपनी एनर्जी लूज की है, एनर्जी लूज किया आपने, मतलब अब आपको सुस्ती हो रही है, दैट मींस कि मसल लॉस हुआ, वेट लॉस नहीं हुआ। सो व्हाट आई रेकमेंड माय क्लाइंट्स इज यू डोंट नीड टू चेक योर वेट ऑन द वेइंग मशीन, बट रादर चेक इट ऑन द मिरर। सही, शीशे में देखें आप कैसे नजर आ रहे हैं। सही, बस इस चीज को मैं बताता हूँ उनको एजुकेट करके, सो दे आर टेकिंग रिजल्ट। लवली। अच्छा जनाब उमर हमारे साथ मौजूद है, आप कॉल्स कर सकते हैं, आप कॉल्स के लिए नंबर हमारा टीवी स्क्रीन पर है, अगर उमर से कोई बात को टिप लेना चाहते हैं। सना चूंकि आजकल हम देख रहे हैं हर तरह के कपड़े, लॉन्ग शॉर्ट पेपलम्स, क्या इन है अभी भी स्टाइल पेपलम्स? पेपलम्स इन है, लेकिन कुछ हद तक इन है, और उनके साथ उसी तरह गरारे शरारे और लहंगे काफी आ गए हैं अब तो पेपलम्स के साथ लहंगे ज्यादा चल रहे हैं और थोड़े फ्लेरी भी लगते हैं और थोड़े रॉयल। कोई ब्राइडल्स की तरफ आने का प्लान है?
ब्राइडल अभी मेरा एक चल रहा है. अच्छा. और इंशाल्लाह हाँ जी ब्राइडल में भी नई कलेक्शन आएगी. अरे लेकिन वो कमिंग सून है. कमिंग सून. हाँ, कलर्स के हवाले से बताओ, पेस्टल्स में गए हो, ब्राइट कलर्स में गई हो अपनी नई कलेक्शन में? अभी क्योंकि स्प्रिंग सीजन है तो कुछ ब्राइट कलर्स में गई हूँ. एक मैंने ब्लैक रखा है क्योंकि ब्लैक मैंने बिल्कुल अभी तक यूज ही नहीं किया था कलर, तो मैंने ब्लैक और गोल्ड में किया है. तो मेरा ये है कि मैंने अपने आप को बाउंड नहीं किया, मैं डिफरेंट कलर्स में गई हूँ. सही है. मैंने ठीक हो गया. अच्छा उमर, अभी आप बात कर रहे थे कि अगर आपको जिम में इतना टाइम गुजारने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी खुद को फिट रख सकते हैं. बहुत सारी खवातीन का होता है कि हम आम रूटीन में घर में चल फिर रही है, काम कर रही है, हमारी एक्सरसाइज हो गई है, लेकिन क्या डेडिकेशन के साथ एक एक्सरसाइज और उसमें बहुत डिफरेंस? मैम देखिए, इसका जो सबसे बड़ा एक रीजन है ना, वो हमारे यहाँ मसला ये है कि मैं इसके बिल्कुल एक सिंपल आपसे सवाल करता हूँ ताकि लोग उसको लिंक कर सकें, ताकि जब हम, क्योंकि अगर हम आउट ऑफ द वे क्वेश्चन जाके करते हैं ना तो वो लोगों को समझ में नहीं आती बात. मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके समझाता हूँ ताकि हमारी ऑडियंस हर किस्म की होती है, तो दे मस्ट अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन बेसिक टर्म. मैं आपसे सिंपल, अपने क्लाइंट जब मेरे पास एक इंसान आता है, जब क्वेरीज रेस करता है, मैं उसको पूछता हूँ क्या आपने आज, अगर आपको इंग्लिश की किताब पढ़नी आती है ठीक है, तो आपने वो कैसे पढ़ना सीखी? आप पैदाइश के साथ ही तो पढ़ नहीं रहे थे, आपने पहले ABCD समझी, ABCD स्कूल में पढ़ी, आपने बिगिनर क्लास, क्लास वन करी, क्लास टू करी, अब उसके बाद आपको जब बेसिक्स आ गई तो अब आपके सामने कोई भी इंग्लिश की किताब आप रख दें, आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं. बिल्कुल इसी तरीके से होता है. फिटनेस की कुछ बेसिक्स होती हैं, ठीक है, बेसिक्स. मैं सबसे पहले जो मेरी अप्रोच होती है, मैं क्लाइंट्स को फिटनेस की बेसिक एजुकेशन देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर उनकी प्रॉब्लम एक वेट गेन हुआ हुआ है, मिसाल के तौर पर यहाँ मुझे सब लोग नजर आ रहे हैं माशाल्लाह काफी हैवी ड्यूटी हुए हैं, ठीक है, तो जब आपका वेट गेन हुआ हुआ है, आपको सबसे वो आपके लिए प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम होती है तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढने के लिए किसी के पास जाते हैं, कंसल्टेंट के पास मेरे पास लोग आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं. अब वो प्रॉब्लम हुई क्यों है, उसकी रीजन क्या है, हो सकता है कोई मेडिकल इशू भी हो. मेडिकल इशू मेरी बहन, कोई भी दुनिया की आप बीमारी उठा लें, सर का दर्द उठा लें, आप कैंसर उठा लें, आप डायबिटीज उठा लें, आप आर्थराइटिस उठा लें, खवातीन में PCOS का मसला उठा लें, कोई भी दुनिया की कोई भी बीमारी उठा लें, उसका ताल्लुक आपके पेट से. हर बीमारी जन्म आपके पेट से लेती है और आपका पेट डिपेंडेंट है आपकी गजा के ऊपर. जब आपके पास बेसिक नॉलेज होती है, मैं करता क्या हूँ वो आपको समझ में आनी चाहिए बात, ताकि जो लोग मुझसे भी रापता करना चाहते हैं, जिनको, उनको ये मिथ क्लियर हो जाए. मैं सबसे पहले ABCD पढ़ा देता हूँ फिटनेस की. जब आपको बेसिक्स आ जाती है, मेरे क्लाइंट्स अपना डाइट प्लान, वर्कआउट प्लान खुद बना लेते हैं और घर की चीजें खाते खाते अपने आप को मेंटेन करते हैं. सही, ये सही. कोई चीज नहीं तो है. अब उधर हमें थोड़ी फिटनेस या डाइट प्लान भी थोड़ा सा बता दें कोई एक नॉर्मल इंसान के लिए. देखिए इसके ऊपर भी मैं आपको जवाब दे दूं. देखिए हर इंसान की हाइट अलग होती है, सही. वेट अलग, आपकी हाइट अलग है, आपका वेट अलग है, आपकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है. इनकी हाइट अलग है, इनका वेट अलग है, इनकी एक्टिविटी लेवल डिफरेंट है. आई cannot ट्रीट टू पीपल द सेम. दिस इज what इज also हैपनिंग इन our मार्केट. इफ you've हर्ड अबाउट द चैलेंजेस दीज डेज, वहां पे मैं इसकी नॉर्मल मिसाल लोगों को क्लियर वर्ड्स में देता हूँ क्योंकि लिंक करना होता है ऑडियंस को. मैं बोलता हूँ भाई, घोड़ा, ऊंट, हर किस्म का जो एनिमल है ना, वो एक ग्राउंड में मौजूद होता है, मोटा हो, पतला हो, जिसको वजन गेन करना है, जिसको लूज करना है, सब एक ही जैसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सब एक ही जैसे उछल रहे हैं. अब अगर आप 120 या 130 केजी के बंदे को बोलेंगे उछले, तो वो तो उछल के अपने घुटनों को डैमेज कर लेगा. ये मेरे पास प्रॉब्लम आती है, उमर भाई हमने ये चैलेंज अटेंड कर लिया, हमारे घुटनों में दर्द आ गया, उमर भाई हमारी कमर में दर्द आ गया. सो आपको हर क्लाइंट को डिफरेंटली लेके चलना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान जिसका जिसका स्ट्रक्चर ह्यूमन, जिसका स्केलेटन मिसाल के तौर पर 60 KG वेट को लेके चलने के ऊपर अल्लाह ने डिजाइन किया है, आप उसको 120 कर दें, यानी ये है कि 60 के, अगर मेरा वेट आज 75 है और मैं 75 KG का बैग लेके चलता रहूं, तो मेरे घुटनों के ऊपर डबल स्ट्रेस पड़ रहा है. दे आर नॉट डिजाइन फॉर 130 KG. ठीक हो गया. हमारे पास एक कॉलर आए, उमर कॉलर ले लेते. मोहम्मद अली हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने ये पूछा, मेरे बैले की बहुत ज्यादा फैट है, तो उसके लिए कोई एक्सरसाइज बता दीजिएगा. मेरे भाई ये आप बात समझे कि एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज जो आप करते हो ना, हाँ. वो 40 मिनट कर रहे हो. एक्सरसाइज ना भी करें, आपकी बाकी चीजें ठीक होनी चाहिए. दैट इज योर न्यूट्रिशन. ही इज आस्किंग फॉर बेली फैट. वो बहुत सारे आदमियों को होता है. मेरी बहन, बेली फैट
फैट है ना, हाँ। तो उसको काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज, यही तो हमारा हमारी प्रॉब्लम ही मार्केट की यही है ना। मुझे लगता है पूरे शो में उमर हमें यही लोगों को कन्विंस करने में यही है। मैं काम ही एजुकेशन के ऊपर कर रहा हूँ क्योंकि हाँ। देखिए हमारे यहाँ मसला यही है, हाँ। अब हमारे यहाँ लोग, हमारी जो हुकूमत है वो अस्पताल बनाने पे इतना स्ट्रेस क्यों है, क्यों है कि अस्पताल बनाने, क्योंकि पहले से फोरकास्ट किया हुआ है कि लोग करंटली बीमार हो रहे हैं और फ्यूचर में बीमार होंगे। मैं ये कहता हूँ कि आप लोगों को बेसिक एजुकेशन दे दें, वो बीमार ही नहीं होंगे तो अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, बाहर की दुनिया में डॉक्टर्स को पैसे इसलिए मिलते हैं कि लोगों को फिट रखा जाए, यहाँ डॉक्टर्स को पैसे मिलते हैं कि बस आपने करना ये है कि बस ये बीमार हो अस्पताल है। सबसे बड़ा मैं वही वाली बात है कि यहाँ पे सिस्टम बिल्कुल ही हैफेजर्ड हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जितनी शॉर्टकट बताएगा आप उसको बोलोगे यार ये बहुत बड़ा चैंपियन है, ये चैंपियन है, इसके पास जाओ। शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना। इन केस आज के शो का मैसेज यही था कि शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जाना, अपनी फिटनेस पे फोकस करना। नहीं मैम ये नहीं था मैं। अच्छा मुझे थैंक यू करने थे, मुझे इजाजत लेनी है। मुझे इजाजत नहीं, आपका शो है, थैंक यू करती है। देखिए मैंने इजाजत लेनी है। मैम ये बात बताएं कि हमारा मकसद जो है वो ये है कि प्लीज एजुकेट योरसेल्फ विद द बेसिक्स, विद द बेसिक्स एंड देन यू डोंट नीड एनी, you won't be dependent on anybody in the future. perfect yeah, thank you very much Sana, bahut shukriya, wish you best of luck with your new collection. thank you Umar, wish you a very best of luck. now aap se ijazat lenge, inshallah aap se hamari mulaqat hogi kal. feedback ke liye hamara facebook page hai. kal tak ke liye hamari taraf se allah hafiz.